subscribe and click the bell icon for television updates. थैंक यू टेली बाइट्स। सर क्या कहना चाहूँगा, किस तरह की तैयारी हुई इस साल? बड़ी अच्छी तैयारी हुई है। गणपति जी बड़े अच्छे से विराजमान हैं, छोटू गणपति जी भी और बड़े भी, और गेंदे के फूलों की सजावट है, सिल्वर मटके रखे हुए हैं हमने, और कल रात से तैयारियां शुरू हो गई थी, गेट बन रहा था बाहर, बहुत सारी चीज़ें, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने तैयारियाँ तो नहीं की क्योंकि मैं शूटिंग में बिजी थी, मेरी सिस्टर ने सब किया है, और बस मैं आ गई हूँ, और आज और कल कोई काम नहीं लिया क्योंकि आज और कल सिर्फ इनकी सेवा। अक्सर घर में भी नहीं दिखते अक्सर, मतलब हमारा परसों शूट है 4 तारीख को और वीकेंड पे जा रहे हैं हम, तो इसीलिए बहुत सारा काम है और हर्ष बिजी है, चैनल के साथ मीटिंग है, बट उन्होंने बोला कि 1.5 दिन के हैं, वो आज या फिर कल माथा टेकने ज़रूर आएंगे। तू जा, मैं आ गई, वो आ जाएंगे। सर इस साल पापा ने क्या खुशियाँ लेकर आए? इस साल पापा खतरा की ही खुशी लेकर आए हैं, और लास्ट टाइम खतरों के खिलाड़ी था, इस बार खतरा है, अभी देखो नेक्स्ट ईयर क्या होता है, बस हर साल आते हैं खुशियाँ देके ही जाते हैं, सो ऐसा हमारे साथ नहीं, सबके साथ पापा करें, सबको ढेर सारी खुशियाँ मिले। जिस तरह आपने लास्ट टाइम कहा था कि नेक्स्ट ईयर हम देख सकते हैं कुछ गुड न्यूज़, तो इस बार बाल कृष्ण कभी देखते हैं? गुड न्यूज़ के लिए जो गुड न्यूज़ करने वाले हैं उनको भी घर होना चाहिए तो होगी, लेकिन हाँ नेक्स्ट ईयर कर लेना है, कुछ भी हो गुड न्यूज़ देनी है, चाहे वो घर की क्यों ना दें, घर ले आना है। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, और जो मतलब तोते उड़े हुए थे सबके, वो पिछले साल हमारे उड़े थे, और हमें सबको बड़ा हौसला दिया। हर्ष तो खैर स्टंट भी किए और वही अबाउट चिल्लाना, हर्ष का वही प्रथा कायम थी, लेकिन बहुत मज़ा आया, और थैंक यू सो मच कलर्स, जब भी हमें मौका देते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों को देते हैं ताकि दिल भी लगा रहता है और हमारा हनीमून भी हो जाता है। वहाँ पर आपने देखा होगा सभी के स्टंट देखे हैं, आपको कौन लगता है बेस्ट कॉम्पिटिटर? अभी तो जब हम गए थे तभी तो दूसरा ही एपिसोड शूट हो रहा था, तो अभी किसी का कुछ पता ही चल ही नहीं रहा था, अब शायद पहुँच गए होंगे टॉप 6 टॉप 5 पे पहुँच गए होंगे, लेकिन जितने भी थे सारे स्ट्रॉन्ग थे बड़े यार, मतलब पिछली बार तो हमारे पहले से अवार्ड शुरू हो गए थे, लेकिन इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं, और ऑल द बेस्ट, पता नहीं क्या होने वाला। बस फैन से यही कहूँगी कि हर साल इको फ्रेंडली गणपति लाएँ, क्योंकि हमें मुंबई को बचाना है, मुंबई जैसे कहते हैं ना कि इंडिया का एक बेहतरीन शहर है, सो हमको वो बचाना है, और प्लीज़ इको फ्रेंडली लाएँ, और 90% कर दें क्योंकि 10% तो बड़े बड़े POP वाले गणपति होते हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते, बट प्लीज़ आप कीजिए, और मेरी और टेली बाइट्स की तरफ से आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। थैंक यू।